कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। चीकू को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये सारे मेरे मन पसंद फ्लेवर्स हैं। क्या मैं ये सारे ले लूं मॉम? नहीं चीकू। अगले दिन चीकू की टीचर ने एक ऐलान किया। इस हफ्ते के अंत में हम सब बीच पर जाएंगे। जो बच्चे इस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, वो अपना अपना हाथ उठाएं। मैं चलूंगी मिस डोरोथी। चीकू इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थी। हम सब बीच पर बहुत मस्ती करेंगे चूचू। उस दिन शाम को चीकू ने देखा कि उसकी माँ फ्रिज में कुछ आइसक्रीम रख रही है। आइसक्रीम? मॉम, क्या मैं एक ले लूं? नहीं चीकू, तुम्हें रोज आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ज्यादा खाने से बीमार पड़ सकती हो। जब चीकू की माँ रसोई से बाहर गई, तो चीकू ने एक बड़ी शरारत कर दी। क्या तुम्हें चाहिए? अगले दिन जब कोई आसपास नहीं था, तो चीकू ने एक और आइसक्रीम ले ली। और उसके अगले दिन उसने एक और आइसक्रीम खा ली। जल्द ही बीच ट्रिप वाला दिन भी आ गया। चलो चीकू, अब उठ जाओ। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। चीकू की तबीयत बिगड़ गई। पर आज के दिन तो सारे बच्चे बीच पर जाने वाले हैं। मुझे माफ करना चीकू, पर आज तो तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। चीकू बीच ट्रिप पर नहीं जा पाई। पता नहीं तुम इतनी बीमार कैसे हो गई चीकू। मॉम, आपने जो आइसक्रीम फ्रिज में रखी थी, उनमें से मैंने कुछ खाई थी। असल में मैंने रोज एक खाई थी। ओह चीकू, काश तुमने ऐसा नहीं किया होता, इसी वजह से तुम बीमार पड़ी। इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर तुम एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का लालच अच्छा नहीं, खासकर जब मैंने मना किया हो। अगले दिन चीकू की तबीयत ठीक हो गई। कैसी है मॉम? चीकू की माँ उसे घुमाने ले गई। उसके लिए एक सरप्राइज भी था। हाय चीकू। चूचू, चाचा, खसली, वाह क्या सरप्राइज है।
दिन चीकू ने बीच पर एक शानदार दिन बिताया और उसने अपना वादा भी पूरा किया कि वो किसी चीज के लिए ज्यादा लालच नहीं करेगी। चीकू की माँ उसे हमेशा याद दिलाती कि वो अपने हाथ ध्यान से धोया करे। चीकू, चलो जाकर अपने हाथ धो लो खूब सारे साबुन और पानी से। ये सबसे बढ़िया तरीका है हाथ साफ रखने का। मिस डोरथी ने भी तुम्हें बताया है ना कि अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है मॉम। पर चीकू बहुत ज्यादा बेसब्र थी, वो तो एक मिनट भी हाथ धोने में गंवाना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो अपने हाथ गीले करके आ जाती और ऐसे दिखाती जैसे वो उन्हें धो के आई है। क्या तुमने अपने हाथ धो लिए हैं चीकू? हाँ मॉम। पर मुझे तुम्हारे हाथ अभी भी गंदे दिख रहे हैं चीकू। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जाकर अपने हाथ फिर से धो लो। ठीक है मॉम। पर चीकू ने फिर से बात नहीं मानी, न ही हाथ ढंग से धोए। एक दिन चीकू गार्डन में खेलने के लिए गई। उसने सैंडबॉक्स में मिट्टी के घर बनाए और वहाँ पर वो सीसो और झूले पर भी बैठी। ला ला ला, ला ला ला। जब चीकू वापस घर गई, तो खाने का टाइम था। चीकू, चलो जाओ अपने हाथ अच्छे से धो लो इससे पहले कि तुम अपना खाना खाओ। ठीक है मॉम। पर चीकू ने फिर भी अपने हाथ धोने की नहीं सोची, बल्कि वो टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी, जबकि बहुत से गंदे कीटाणु चीकू के हाथ पर चढ़ गए थे जब वो पार्क में खेल रही थी। और चूंकि चीकू ने अपने हाथ धोना जरूरी नहीं समझा था, कीटाणु वहीं रह गए थे। सारे कीटाणु चीकू के खाने पर आ गए और फिर वो सारे सीधे उसके पेट में चले गए। अगली सुबह जब चीकू उठी, उसे लगा कि वो बहुत बीमार महसूस कर रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, लगता है मुझे जुकाम हो गया है। मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें बुखार हो गया है चीकू। क्या तुमने कल खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए थे? नहीं मॉम, मैंने नहीं धोए। तुम्हारे हाथ पर लगे कीटाणु तुम्हारे पेट में चले गए होंगे जिससे तुम बीमार हो गई। वो मेरे पेट में है। हाँ चीकू, तुम्हें आज स्कूल से छुट्टी लेनी होगी और डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ, पर आज तो मेरा टेनिस मैच है और मेरे दोस्त चाचा का जन्मदिन भी है। अगर स्कूल नहीं गई तो ये सब छूट जाएगा। मुझे इस बात के लिए माफ करना चीकू, पर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो चीकू डॉक्टर के पास चली गई। चीकू, जो जम्स तुम्हारे हाथों पर थे वो तुम्हारे पेट में चले गए हैं, उसी से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं तुम्हें दवाई देता हूँ जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन याद रखना कि तुम हमेशा अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छे से धोना, खासकर अपना खाना खाने से पहले। कीटाणु से दूर रहने का ये सबसे बढ़िया तरीका है और स्वस्थ रहने का भी। फिर डॉक्टर ने चीकू को दिखाया कि उसे अपने हाथ कैसे धोने चाहिए। सुनो चीकू, पहले हाथों को गीला करो, फिर साबुन लगाओ, फिर दोनों हाथों की हथेलियों को गोलाई में रगड़ो। इसी तरह हथेलियों के पीछे भी अच्छी तरह रगड़ो। इसके बाद उंगलियों के बीच ऊपर और नीचे, फिर उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर
और नीचे से मलो। अंगूठों को चारों तरफ से अच्छी तरह रगड़ो। हाथों को और उंगलियों को ऊपर और नीचे से अच्छी तरह रगड़ो। फिर साबुन को पूरे हाथ में फैलाकर अच्छे से रगड़ो। आखिर में ढेर सारे पानी के साथ हाथों को धो लो। तब से चीकू ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वो अपने हाथ अच्छे से धोया करे, खासकर खाना खाने से पहले। इस तरह से चीकू हमेशा स्वस्थ रही और उसने कोई भी मस्ती मिस नहीं की। और फिर चूचू और सारे बच्चों ने एक जंगल की पेंटिंग बनानी शुरू की। चाचा और बेबी टाकू भी इस खेल में शामिल हो गए। अब बताओ हम कौन से जानवर हैं? स्नो वाइट है दुनिया में सबसे गोरी। हाँ? नहीं। चूचू ने अपने खिलौने की अलमारी खोली। उसने देखा कि उसमें बहुत से ऐसे खिलौने थे जिनके साथ अब वो खेलती नहीं थी। इन खिलौनों के लिए अब मैं बहुत बड़ी हूँ, चूचू सोचने लगी।